हेलो एवरीवन, आज की हमारी कविता है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित हुई वे आँखें। इस कविता में एक किसान की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। उसकी आँखों में उसके समस्त जो दुख हैं वो किस तरह से समाए हुए हैं कि उसकी आँखें गुफा की तरह लगने लगी हैं। उसने अपने दुखों को अपने भीतर किस तरह से जज्ब कर रखा है, यही इस कविता में दिखाया गया है। उसके साथ अत्यंत यातना भरे पल आते हैं और उसकी आँखों में जो है एक सूनापन आ जाता है, यही सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता में इसका वर्णन किया है। कविता इस प्रकार से है, अंधकार की गुहा सरीखी। यहाँ पे गुहा है गुफा, सरीखी यानी समान। कवि कहता है कि उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल अंधेरी सी एक गुफा के समान भयानक लग रही हैं। कैसी भयानक लग रही हैं कि उन आंखों से डरता है मन, कि उसकी आँखों से कवि का मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण यानी भयानक, दैन्य यानी दीनता, नीरव यानी मौन यानी चुप्पी है, फिर भी रो रही हैं उसकी आँखें। रोदन यानी रोना। उसकी आँखों में एक भयानक दीनता और चुप्पी, साथ में रोदन है, रोना भी है। उसकी आँखों से उसके रोने के भाव जो हैं वो स्पष्ट हो रहे हैं। यह किसान जो है, हमारे भारत का एक किसान है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। स्वाधीन यानी स्वतंत्र, अभिमान यानी गर्व, मजदार यानी बीच में, कगार सदृश यानी किनारे के समान। कवि क्या कहता है कि हमारे जब भारत स्वाधीन था, स्वतंत्र था, स्वावलंबी था, उस समय भारतीय किसान की इस दशा का चित्रण किया गया है। उसके पास कुछ खेत थे अपने, लेकिन उसकी आंखों में एक स्वाभिमान की चमक भी थी। उस समाज में मान मर्यादा होती थी और जैसे कोई रेतीला किनारा टूट करके नदी के प्रवाह में बह जाता है, उसी प्रकार उसका जीवन अभी जो है बिल्कुल स्वाभिमान से रहित बनकर रह गया है। क्यों रह गया है, ऐसा क्यों है? लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिन से। उसकी आंखों में वो लहलहाते हुए खेत दिखाई दे रहे हैं जिन खेतों से उसे अब बेदखल कर दिया गया है। बेदखल करना क्या होता है? उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी तृण तृण यानी पत्तिनकों से उसके जीवन में हरियाली आती थी, उस खेत के हर तिनके से। इस प्रकार से उसका मन जब हरियाली तो होती थी तो प्रसन्न हो जाता था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज उन्हीं खेतों के अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया है। उसके खेत उससे छिन गए हैं और इस प्रकार से उसके जीवन में जो प्रसन्नता थी उससे भी वह दूर हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूदखोर जो लोग हैं उनका किसान शिकार हुआ है और उसी दशा का मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। जीवन की हरियाली, इसमें रूपक अलंकार है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी दो बार रिपीटिशन हुआ है। तृण तृण में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी सी जो गया जवानी ही में मारा। उसका पुत्र जो था उसकी आँखों का तारा था। आँखों का तारा होना यहाँ एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है बहुत प्यारा होना। उसकी आँखों में अभी भी अपने पुत्र की छवि घूमती रहती है और वह साहूकार की जो लाठियों के कारकुन थे उनकी लाठियों से वह मारा गया था, उसकी हत्या हो गई थी। तो उसकी आँखों का जो प्यारा बच्चा था उसके सामने ही उसकी हत्या
हो गई थी। और कवि कहता है कि ऐसे पीड़ित किसान की वर्णन करना बहुत ही मुश्किल काम है, और उसे यह उसकी आंखों में सब दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान बन गई हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती व कुर्क हुई बर्दों की जोरी। यहाँ पर मैं पहले आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। महाजन होता है ऋण देने वाला व्यक्ति, सेठ भी इसे गांव में कहा जाता है। कौड़ी एक पैसा भी, कौड़ी होती है पहले पैसे के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी, उसके स्थान पर प्रयोग में लाई जाती थी। आंखों में चुभना भी एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य होता है बुरा लगना। कुर्क यानी नीलाम हो जाना, बर्धों का मतलब है बैल बैल। तो यहाँ पर क्या कहता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, जब उसके पास ब्याज के पैसे चुकाने को नहीं बचे तो उसके घर और बार जो थे वो, घर द्वार जो थे वो सब महाजन ने बिकवा दिए और अपना ब्याज जो था वो पूरा ले लिया, उसमें एक कौड़ी भी उसके पास नहीं छोड़ा। और साथ ही उसकी बैलों की जो जोड़ी थी उसका भी उसने कुर्क करवा दिया, यानी नीलाम करवा दिया, बिकवा दिया ताकि उसके पैसे उसे मिल जाएं। इस प्रकार से सूदखोरों का यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया है, किसान पर जो अत्याचार हुए हैं महाजन के द्वारा उनका वर्णन किया गया है। आँखों में चुभने का अर्थ मुहावरा होता है, ये आँखों में चुभना होता है किसी को बहुत बुरा लगना। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह की अगर आप वर्णन में अपना जब लिखते हैं, व्याख्या में लिखते हैं कि कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, विंब का प्रयोग हुआ है या मुहावरे का प्रयोग हुआ है, तो आपकी भाषा जो है सशक्त बन जाती है और आपको अच्छे अंक दिलाने में मदद करती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, उजरी उसके सिवा किसी कब पास दुहाने आने देती। उजरी किसान की गाय का नाम है जिसे जिसका मीनिंग होता है सफ़ेद, और वह अपनी गाय को बहुत प्यार करता था तो वह उसके अलावा किसी को भी अपने पास आने नहीं देती थी। एह आँखों में नाचा करता उजड़ गई जो सुख की खेती, और उसकी आँखों में आज भी वह सुखमय संसार नाचने लगता है और उसकी याद उसे बरबस आ जाती है, लेकिन अभी जो उसकी सुख की खेती थी उसके सुख का जो समय था वह उजड़ चुका है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, पास दुहाने आने देती इसमें, तो ये इससे प्रभावी बन गया है। आँखों में नाचना भी एक मुहावरे का प्रयोग है, बार बार सामने आना मतलब होता है इसका। अनुप्रास अलंकार है और ऊ की आवृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट लाइन्स में, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया दो दिन बाद गई मर। बहुत ही मार्मिक जो है वर्णन है उसकी पत्नी की मृत्यु का। बिना दवा दारू, दर्पण यानी दवा दारू यानी दवा पानी जो होता है, घरनी यानी घर वाली, उसकी पत्नी जो थी दवा के अभाव में स्वर्ग में चली गई, मर गई। और उसकी पत्नी के जाने के कारण उसकी जो छोटी सी दूध मुही बच्ची थी वो भी दो दिन बाद ही अकाल मृत्यु उसकी हो गई, क्योंकि देख रेख करने वाला कोई था नहीं। यहाँ पर फटेहाली, गरीबी और विवशता का बहुत ही करुणापूर्ण दृश्य जो है कवि ने उत्पन्न किया है, और उनकी बिटिया का मरना, साथ ही पत्नी का भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना हृदय को दिल दहला देने वाला है। आँखों में आँखें भरना मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आँखें भरना का मतलब होता है नीर आ जाना यानी आँसू आ जाना। ण के जगह पर न का प्रयोग किया है जिसमें कोमलता कविता में आ गई है। घर में विधवा रही पतोहु लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। जो उसका पुत्र था कानकुनों के द्वारा लाठियों से मार दिया गया था, उसकी विधवा पत्नी जो थी वो घर में थी, नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसे गांव वाले पति घातिन कहते थे, यानी पति को मारने वाली हत्या करने वाली कहते थे। एक दिन उसे कोतवाल जी ने बुलवाया और उसी दिन वह कुएं में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुई, उसकी भी मृत्यु हो गई,
यहाँ पर करुण रस की अभिव्यक्ति है, करुणा उत्पन्न करने वाले रस को बोलते। इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे सामने कुएं में डूबती हुई नारी का बिंब साकार होता है। और पतोहू लक्ष्मी कोतवाल ये शब्द सब ग्रामीण अंचल से लिए गए हैं। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरे आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। वह कह रहा है कि पत्नी तो फिर भी दूसरी आ जाती, क्योंकि उस समय पर पत्नी को पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन जो उसका जवान लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जब उसकी उसे याद आती थी तो उसकी उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, सांप लौटते थे और उसकी छाती जो है फटने को हो जाती थी, यानी बहुत दुख उसे होता था। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़वा चितवंती की नोक सदृश बन जाती। जब किसान अपने पहले वाले सुख को याद करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी आँखों में चमक सी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाय पुत्र पत्नी बिटिया और पुत्र वधु के बारे में सोचता है, जब उनके हनन के बारे में सोचता है और उसे सब जो दुख भरी बातें याद आ जाती हैं, तो उसकी दृष्टि जो है शून्य में कहीं रुकी की रुकी रह जाती है, गढ़ी की गढ़ी रह जाती है, और उसे एक एक करके अपने सारे कष्ट याद आने लग जाते हैं और वह सारी यादें जो हैं उसके लिए बहुत ही दुख देने वाली बन जाती हैं, दुखदायी बन जाती हैं। चितवन का यहाँ पर मीनिंग है दृष्टि, स्मृति यानी याद, तुरंत यानी शीघ्र ही। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है और बहुत ही सुंदर उपमा बन पड़ी है। तुरंत शब्द का सौंदर्य बहुत ही अच्छा देखते ही बन पड़ा है। किसान के हरे भरे खेत हैं, लहलाते खेत थे और उसका भरपूर घर द्वार था, बैल था, गाय थी, जवान बेटा, पतोहू, पत्नी, नन्ही पुत्री, सब की याद उसे आती है और वह याद दुख का कारण भी बन जाती है, क्योंकि सब अब उसके सामने के सामने नष्ट हो चुके थे, लेकिन एक बार उसकी आंखों में चमक सी भर जाती है जब उन्हें याद करता है। जब किसान अपने आप को लुटा पिटा पाता है तो उसकी दीनता और विवशता जो है, उसकी आंखें जो हैं चितवन शून्य में गढ़ सी जाती हैं और वह एक अंधकार की गुफा जैसी दिखाई देने लग जाती हैं। वह अपने सुख भरे अतीत